देखो एक लाइन है, जो आसानी से मिल जाता है ना वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा रहता है ना वो आसानी से नहीं मिलता। तो हमारे साथ है शांतनु, जिनके स्ट्रगल बहुत लंबी रही है, जिनके फैमिली इशू रहा है, जिनको फाइनेंशियल इशू रहा है घर में, जिनके घर में मेडिकल इशू रहा है फादर का भी और भाई का भी, जिनके मल्टीपल फेलियर्स रहे हैं। तो आप बहुत लोगों की कहानियां सुने होंगे, उनसे आप मोटिवेट हुए होंगे कि आपको लाइफ में पढ़ना कैसे है, स्ट्रैटेजी मिला होगा आपको, यहाँ पे आपको जीवन जीने का भी राह मिलेगा। जीवन में कितना भी आपको कष्ट आ रहा है, कितना भी डिफिकल्टी आ रही है, फिर भी अपना एटीट्यूड इस तरीके से बिल्ड करो जैसे शांतनु का एटीट्यूड था, कि आने वाले टाइम में सक्सेस आपको मिल जाए। इनके फेलियर के रीजन भी हम लोग जानेंगे, फिर CGL 22 में जो बहुत अच्छा किए हैं इसके बारे में भी जानेंगे, 21 में क्यों फेल हुए ये भी जानेंगे, अभी CHSL के द्वारा सेलेक्ट हुए हैं जिस पोस्ट पर इसके बारे में भी जानेंगे। बारी बारी से हम लोग बात करते हैं। शांतनु, नाम तो मैं आपका बता दिया, फिर भी आप अपना पूरा नाम, पोस्ट, CGL 21 में क्या हुआ था, 22 में क्या हुआ था, अपने घर के बारे में एक एक करके, या तो मैं आसानी से पूछते जाऊंगा, आप बता दीजिए। हेलो सर, मेरा नाम है शांतनु कुंभकर और मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल के एक छोटा सा सिटी है चित्तरंजन करके, जो फेमस है, मतलब रेल रेल जो इंजन है वो बनाने में सबको पता है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो उसके पास एक छोटा सा गांव है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं मेरा घर में मेरा भाई है छोटा और मैं बड़ा हूँ, और मेरी मदर है वो हाउस वाइफ है, और फादर का तो कुछ महीने पहले, 4 महीने पहले डेथ हुआ है। तो बस यही है घर घर में। और आप लोग मेरा स्कूलिंग मतलब, हाँ मेरा स्कूलिंग अप टू फाइव फिफ्थ फिफ्थ क्लास तक इंग्लिश मीडियम में हुआ था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इशू के कारण मैं नहीं कर पाया कंटिन्यू। और फिर मैंने जो बंगाली मीडियम है वहाँ से पढ़ाई की अप टू 12th तक। तो बस यही है एजुकेशन बैकग्राउंड। उसके बाद मैंने BSc करा केमिस्ट्री 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 में, और बस उसके बाद मैंने जो SSC का जर्नी जर्नी है जो मैं वहाँ से स्टार्ट किया। जितना आसानी से शांतनु बस ये हुआ बोल दिया ना, उतना आसान रहा नहीं। मैं पर्सनली जानता हूँ, काफी दिनों से हाँ जानता सर, हूँ, बहुत और मैं ये बोलूँ कि मेरा स्टूडेंट है तो ये गलत होगा, स्टूडेंट कम मेरा दोस्त ज्यादा है, मैं काफी दिनों से जानता हूँ। ये आप बस करके बताओगे तो शायद इससे ना जो भी आपके छोटे बंधु होंगे आने वाले टाइम में प्रिपरेशन करेंगे उनको उतना अच्छे से प्रेरणा नहीं मिलेगा, इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ जो आप ऐसे बोले फादर का डेथ हो गया बस 4 महीने पहले, ऐसे नहीं, आपके फादर के जो मेडिकल इश्यूज थे जिस टाइम पे आप तैयारी भी कर रहे थे, घर के फाइनेंशियल सिचुएशंस को भी देख रहे थे, पापा के मेडिकल एक्सपेंसेस को भी आप देख रहे थे, फादर का डेथ होता है उस टाइम पे नवंबर में, मेरे को याद है दिवाली के टाइम, तो उस दिवाली के टाइम पहले पे, दिन, हाँ दिवाली के, वही मेरे को ध्यान है, और उस टाइम पे फिर आप पेपर में अपियर होना है आपको आने वाले टाइम में, दिसंबर में CGL रहता है, ये सब मैनेज करना, मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात तो हम लोग काफी किए हुए, तो मैं चाहता हूँ आप अपनी जबान से अपने शब्दों में शेयर करोगे ना एक एक चीज को लेकर, कि आपके फादर के हेल्थ इश्यूज और उस टाइम पे आप पढ़ाई को, घर के फाइनेंशियल सिचुएशंस को, और भी जो प्रेशर पड़ते हैं रिलेटिव के, ये सब कैसे मैनेज करते थे भाई, बताओ आप। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि CGL का जो जर्नी है, मैं कॉलेज के टाइम से, मतलब एक दोस्त था मेरा, वो मतलब फॉर्म वगैरह भरता था, ठीक है, SSC का भरता था, रेलवे का भी भरता था। तो मेरे को जो SSC का जो मतलब जो पोस्ट मतलब है पोस्ट है, मैं उसके उससे उससे पता चला कि SSC का कुछ पोस्ट, अच्छा कुछ पोस्ट होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBI। तो ये मुझको काफ़ी फैसिनेटिंग लगा ये पोस्ट। तो मैं वही से सोचा था कि कभी मतलब कॉलेज, आफ्टर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं SSC की तैयारी शुरू करूंगा। तो ये मेरा 2019 से पहले मार्च तक, 2019 मार्च से मैं स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। 2019 में फर्स्ट मेरा 2019 CGL का फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो वहां से मैंने शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सर, यहाँ पे जो UP, बिहार और दिल्ली में जैसे मतलब SSC का क्रेज है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में उतना एकदम नहीं है क्रेज। अगर आप किसी से पूछोगे पूछोगे भी तो कि SSC के, तो उसको मतलब वो पहले ही बोलेगा स्कूल सर्विस कमीशन, जो टीचर रिक्रूटिंग बॉडी है ये, ठीक है, टीचर का रिक्रूटिंग है। तो SSC के बारे में अवेयरनेस एकदम नहीं है इसमें, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में।
तो ये सबसे काफ़ी मतलब चैलेंजिंग लगा मेरे को कि जिसके बारे में लोगों की पता नहीं, तो इसके टीचर भी यहाँ पे नहीं मिलता, मतलब कहाँ से प्रिपरेशन करूँ कैसे करूँ, और यहाँ दिल्ली यहाँ से घर से दूर भी है, और फाइनेंशियल मतलब कंडीशन भी इतना नहीं था कि मैं दिल्ली में जाके कोचिंग करूँ। तो यहाँ पे छोटा सा मैंने मतलब घर के पास ही एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था उस टाइम। तो वहाँ से मैं थोड़ा बहुत बेसिक वगैरह सीखा, लेकिन वहाँ पे कुछ फ़ायदा मेरे को उतना खास नहीं मिला। तो फिर मैंने ऐसे ऑनलाइन मतलब वो करते करते मैं ऑनलाइन थोड़ा यूट्यूब में देखता था कि कौन टीचर है कैसे कुछ है। तो फिर मैंने जो है थोड़ा बहुत वहाँ से मतलब जो यूट्यूब वगैरह है, जो मतलब पवन राव सर है, जो वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सीखा, और अभिनय सर है उससे बहुत थोड़ा बहुत सीखा। तो ऐसे करते करते मेरा 2019 पहला अटेम्प्ट था फर्स्ट, लेकिन मेरा TR1 में उतना अच्छा खास मार्क्स नहीं था, कट ऑफ से बस 2 ही मार्क्स या 3 मार्क्स ज़्यादा था, 149 ऐसे कुछ कट ऑफ गया था, और मेरा 150 152 था। तो TR1 में जैसे तैसे करके मैं तो पहुंच गया TR2 में, लेकिन फिर TR2 में मेरा मैथ में जो था अच्छा खासा नहीं गया, 119 था मेरा मार्क्स TR2 में मैथ में, इंग्लिश में मेरा था 163, लेकिन फाइनल में मैं मेरिट से आउट हो गया 2019 के बाद। तो फिर सोचा था कि फिर 2019 2019 के बाद मैं फर्स्ट सीजीएल 2019 अटेम्प्ट था का ये CGL का मेरा स्टोरी था, फर्स्ट अटेम्प्ट आगे। 19 का। फिर उसके बाद मैं सोचा, फिर उसके बाद सर मैंने सोचा कि कुछ मतलब ऐसे तो नहीं होगा, फिर 2020 का कुछ मतलब सीरियस रह के पढ़ाई शुरू करता हूँ उसके बाद। तो 2020 से मैंने अच्छे से किया, बुक वगैरह सब मतलब ऑनलाइन से लिया, और मतलब ऑनलाइन जो टीचर है वहाँ से एकदम थॉरली पढ़ा, प्ले लिस्ट देखे, एक एक चैप्टर को नोट्स बनाया, फिर प्रैक्टिस भी किया बुक से। फिर मतलब 2020 से मेरा पापा का हेल्थ इशू मतलब शुरू होना स्टार्ट हो गया था 2020 मार्च से, अभी भी मेरे को याद है। तो वो डिजीज था मतलब वो खतरनाक डिजीज है, मतलब CKD क्रोनिक किडनी डिजीज करके नाम है, मतलब ये छोट मतलब धीरे धीरे करके आदमी को मतलब मौत की ओर ले जाता है, मतलब ये ऐसा डिजीज है। तो उस टाइम मेरे पापा को पता चला, मेरे को पता चला फैमिली में कि ऐसा इशू है। तो फिर ऐसे मेरा जो पापा का काम था प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था, तो वो काम भी मतलब छूट गया उस टाइम। तो जो मतलब थोड़ा बहुत भी जो इनकम का सोर्स था पापा का, वो भी मतलब बंद हो गया। तो घर में रहता था फिर, और फिर तो मेरे पास भी कोई ऐसा कुछ मतलब इनकम का सोर्स भी नहीं, मतलब कि कैसे क्या करूँ, अगर कोई ट्यूशन भी जाता हो, अगर ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ तो टाइम नहीं मिल पाएगा खुद सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। तो फिर मैंने एक छोटा सा मैंने ऑनलाइन जो है बायजू करके, वहाँ से मतलब जो ऑनलाइन टीचिंग है क्लास 10 अप टू 10, वहाँ साइड में पढ़ाता था साइड में ऑनलाइन, तो वहाँ से थोड़ा बहुत इनकम जनरेट होता था। लेकिन ऐसे करके मतलब हेल्थ धीरे 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 बिगड़ता ही जा रहा था पापा का, ठीक है। तो मेडिसिन का भी खर्चा था, ऊपर से जो मतलब पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत बैंक से लोन भी लिए थे पापा, तो वो भी मतलब जो बैंक वाले वो भी परेशान कर रहे थे कि कैसे क्या क्या होगा। फिर एक हेल्थ का इशू, एक फाइनेंशियल इशू, और एक इनकम का जो घर चलाने का जो इनकम, तो ऐसे तीनों साथ एक साथ मिला के प्रिपरेशन नहीं होता था उस टाइम। तो उतना मतलब फोकस नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई में। तो जैसे तैसे करके मैंने TR TR1 में कुछ अच्छा खासा मार्क्स था, मतलब कट ऑफ से मेरा 30 मार्क्स ऊपर था, 30 40 मार्क्स। लेकिन TR2 में क्या होता, मेरा मैथ में इतना मतलब नर्वस हो गया था TR2 पेपर, मतलब आते हुए पेपर को भी मतलब खराब हो गया मेरा, मतलब पेपर देने के बाद मैं इतना रोया था एग्जाम सेंटर में, मेरे को अभी भी याद है कि जिस पेपर में मतलब मैं 180 190 कर सकता था, उस पेपर में मतलब मेरा 140 आया था, 141 ऐसा कुछ था, दो इंग्लिश हजार मेरा सही था बीस 170 के आसपास। दो सीजीएल हजार बीस ट्वेंटी सीजीएल दो ट्वेंटी हजार बीस हाँ, मैथ में मेरा हाथ कांप रहा था, मतलब सब कुछ मेरा मतलब ऐसे जस्ट जैसे जस्ट एग्जाम स्टार्ट हुआ, अचानक से मेरा सबका जो फैमिली इशू था सब मेरे मतलब आंखों के सामने आ गया, इसीलिए मेरा हाथ कांप रहा था, मतलब कुछ नहीं कर पा रहा था, जो सिली सिली मिस्टेक कर रहा था, टाइम दे रहा था, ले रहा था ज्यादा। तो ऐसे हुआ, तो इंग्लिश में ठीक ठाक था, लेकिन फाइनल मेरिट में मेरे 514 की ऐसा कुछ, और 3 मार्क्स से 2 मार्क्स से मैं फाइनल मेरिट से आउट हो गया सीजीएल पीस में। फिर आप मतलब आपसे मुलाकात हुआ कि फिर आपने बहुत हेल्प किया कि मतलब मैथ में कैसे करना है कैसे करना है, अभी भी मेरे को याद है, मेरे को स्ट्रेटेजी अभी भी लिखा हुआ है मेरे कॉपी में कि कैसे करना है नर्वस। जो फोन पे लेकिन बताया फैमिली था। इशू वो तो मतलब साइड फोन पे बताया था, अभी भी याद है कि मॉक में ऐसे क्या मेरा मेरे साथ ऐसा कर रहा था, मैं मॉक में स्कोर नहीं रह पाता था, कभी आ रहा था 180, कभी आ रहा था 160, ऐसे आ रहा था, मतलब जो फ्लक्चुएट कर रहा था स्कोर। फिर आपसे मतलब बात हुआ कि कैसे करना है क्या, आपने थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी बताई, जो वो मैंने नोट डाउन किया अर्ज से, और मैं इम्प्लीमेंट भी किया वो, और मेरे को फायदा हुआ बहुत। लेकिन जो फैमिली का इशू वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, मतलब कम नहीं हो रहा था, पापा के हेल्थ के इशू और भी डिटीरियट हो रहा था, मतलब जो माँ पापा जो अब मतलब ऐसे घूम फिर रहा था वो भी बंद हो गया था, मतलब बेड जो घर पे हो ना बेड रेस्ट हो गया था पूरा टोटल, फिर इतना आसान नहीं होता। तो
फिर मैंने टीयर टू का पेपर दिया ऐसे तैसे करके। और उसके बाद एक और भी इंसिडेंट हुआ कि जनवरी के आसपास, मतलब एग्जाम के 2-3 महीने पहले, मेरा भाई का अपेंडिसाइटिस का कुछ ऐसा प्रॉब्लम इशू हुआ था, ये तो वो मेरे को याद भाई है, का, मैं तो बताता हूँ, यहाँ से मैं चाहता हूँ हाँ बताऊँ। इस टाइम पे हम लोग काफी बात कर रहे थे, तो शांतनु 21 मेंस का बात बता रहे हो ना शांतनु? हाँ 21 इक्कीस मेंस, इक्कीस में हाँ। तो हाँ 21 प्री टाइम मेरा जो कोर्स था काफी कॉस्टली था, तो हम लोगों ने शांतनु के लिए बोले थे तुम आओ पढ़ो। दोनों भाई तैयारी करते हैं, शांतनु भी तैयारी करता है, इनका छोटा भाई भी तैयारी करता है सीजीएल का। और सीजीएल मेंस में हम लोगों को लग रहा था कि दोनों भाई अच्छा करेंगे, क्योंकि दोनों भाई तो प्री अच्छा गया था, घर वाले भी बहुत खुश थे, मम्मी भी बहुत खुश थी, अब बताए थे उस टाइम पे हाँ मम्मी फरवरी बोस की फरवरी मार्च टाइम पे। तो उसके बाद इनके भाई का पेट में इशू होता है, और ये पेट पे। हाँ हाँ मेरे को याद है कोलकाता में ऑपरेशन और होता मैं, है। हाँ, ऑपरेशन मतलब जो हुआ था, मतलब जो एक दिन जो पहले एडमिट हुआ था ना, तो उसके अगले दिन मेरा CHSL टीयर टू का एग्जाम था, जिसमें मेरा हुआ है अभी पोस्टल असिस्टेंट। अरे जो अगले दिन, क्या, मतलब अगले दिन मेरा भाई का मतलब हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरे को अभी भी याद है। मैं और पापा, पापा सब साथ में गए थे हॉस्पिटल में, इशू था, हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके अगले दिन मतलब भाई को बोला कि मैं एग्जाम देने जाऊँ, आप मतलब ठीक हो ना, सब ठीक है ना? तो वो बोला ठीक है तुम जाओ एग्जाम देने, मैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अगले दिन टीयर टू मेरा एग्जाम था CHSL का, जिसमें मेरा अभी हुआ। तो आपको बताया था कि मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है सर, और आपने हेल्प भी किया था बहुत, जैसे जिस तरह से। और CHSL CGL 21 में मेरे को अभी भी याद है, मैथ का अपने जो मतलब इतना फाइनेंशियल इशू कंडीशन भी नहीं था कि मैं कोई कोर्स लूँ, क्योंकि मैथ में हमेशा से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो था। इंग्लिश में मेरा सही था हमेशा से, लेकिन मैथ में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम, मतलब जैसे CGL 20 में ऐसे हुआ ना, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस, मैं ऐसे हो रहा था कि एग्जाम देने जाऊँ या ना जाऊँ, मतलब ऐसा डर बैठ गया था मेरे अंदर। मैथ में फोबिया, मतलब ऐसे घर घर में हो जाता था मॉक में, लेकिन एग्जाम जो प्रेशर, एग्जाम जो फी मतलब प्रेशर, वो नहीं ले पा रहा था। लेकिन आपके कोर्स जो आप CGL 21 का जो मेंस का जो कोर्स था, मैं वहाँ मतलब आपने एडमिशन किया कराया था उसमें, और वो देख के मतलब मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया था। और उसमें 190 मेरा CGL 21 में, आवाज जो कट गया, इतना मतलब मार्क्स मार्क्स नहीं मेरे सुन लिए, पाया। अच्छा मतलब मेरा 180 के आसपास मेरा मार्क्स था, 180। लेकिन CGL 21 पास नहीं हुआ है, शांतनु मैं बता देता हूँ। CGL 21 ना पास हाँ होने का रीजन आप बताओ पहले सकते। CGL 21 मेरे पास होने का रीज़न एक ही है, टीयर 3 में जो मार्क्स है 35 के आसपास मेरा मार्क्स था, अब मैं एक बात तो कंसर्न करूंगा 504 यहाँ, ऐसे कुछ मार्क्स था मेरा। अब मैं बता देता हूँ एक बात, हाँ सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। ये देखो, ऐसा सुन रहे हो आप लोग, घर का इशू है, पापा का मेडिकल इशू है, भाई का मेडिकल इशू है, ऑपरेशन है, उसके अगले दिन एग्जाम है, ऐसा एक किस्मत भी साथ नहीं दे रही है। जिस कभी टीयर 3 में शांतनु का 60-50-55 है, 60-60 प्लस रहता था हर बार पास में, उसमें 35 आता है CGL 21 में। सोचो मतलब हर तरफ से इतना प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं जो साथ नहीं। आप सामने देखो ना, आप सामने कान से सुन रहे हो ना, सामने एग्जाम्पल है, फिर भी ये बंदा हार नहीं मानता है। CGL से सिलेक्शन लिया है, आगे बताएगा खुद से, और CGL 22 से भी क्या स्कोर है आगे खुद से बताएंगे आपको। शांत फिर CGL CHSL 20 से मेरा जो एग्जाम था मतलब टीयर 2 का, वो पहले दिन मैं तो एग्जाम देने के मूड में नहीं था, क्योंकि भाई का ऑपरेशन, मतलब तो हॉस्पिटल में एडमिट था और मैं वहाँ पे एग्जाम देने गया था। तो इतना मैं, आप लोग समझ सकते हैं कि किस हालत में मैं एग्जाम देने गया था। तो जैसे तैसे करके मैं CHSL 20 में एक पोस्ट मिला पोस्टल असिस्टेंट का। CGL में तो मेरा नहीं है, CGL 19 में फेल हूँ, CGL 20 में फेल हूँ, लेकिन CHSL 20 से मेरा एक पोस्ट मिला। तो ये मेरे को मतलब अंदर से एक मोटिवेशन की तरह काम करा कि है ठीक है, एक जॉब तो है CGL, ना ही सही तो फिर एक जॉब तो है CGL। मैं उससे मतलब अगर आगे पढ़ना भी चाहूँ तो उससे मतलब जो फाइनेंशियल जो कंडीशन एकदम बुरा था वो मतलब सही होगा इससे। तो मेरे को मोटिवेशन थोड़ा हाई मिला कि हो जाएगा। फिर मतलब CGL 22 का फॉर्म भरे थे CGL 22 का, लेकिन CGL 22 TR1 के पहले मतलब पापा का डॉक्टर देखाने गया था, तो वहाँ पे बोला कि आपको पापा का किडनी एकदम पूरा पूरी डैमेज हो गया 90%, आप डायलिसिस में जाना पड़ेगा, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है अभी इसका, आपको डायलिसिस में, तो लास्ट में, लास्ट स्टेज में डायलिसिस, लास्ट स्टेज चल रहा था। तो ये प्री के टाइम, CGL 22 जो प्री के टाइम ही हुआ मेरे था। को याद है, मेरे को याद है। हाँ प्री के टाइम। तो मैं सोच रहा था, मतलब मैं खुद पे तरस आ रहा था कि क्या मतलब क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है CGL 19 में। CGL मतलब मैं हमेशा CGL में मेरा पैशन था, और ऐसा हो रहा था कि CGL में कोई ना कोई रुकावट आ रहा था मेरे साथ। CGL 19 में तो मेरा अच्छा नहीं गया, CGL 20 में भी मतलब नर्वस के कारण चला गया, और CGL 22 में 21 में तो टीयर 3 में गया, और CGL 22 में तो मेरा
मैं सोच रहा था कि CGL 22 में कि मेरा मतलब Tier 1 होगा भी कि नहीं, मैं Tier 1 क्लियर होगा कि नहीं, जो कि क्वालिफाइंग था, मतलब एकदम नहीं पढ़ पाया था मैं। 3 मतलब बस हॉस्पिटल जा रहा था और आ रहा था पापा को लेके, बस ऐसा हाल हो रहा था। और घर पे उल्टा मतलब फाइनेंशियल इशू, वो भी अलग से। तो ऐसे लेकिन कोई नहीं, मतलब जो मतलब अगर डेडिकेशन हो तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। जो भी टाइम मिलता था, 1-2 घंटा, 3 घंटा, जो भी पढ़ लेता था उस कोर्स में। तो Tier 1 से पहले एक पेपर था Tier 1 के पहले दिसंबर, और मेरा पापा का मतलब जो डेथ हुआ नवंबर में हुआ था, अक्टूबर में, सॉरी 23 अक्टूबर में मेरा पापा का डेथ हुआ, और पेपर था 23 दिसंबर में, दिसंबर 7 या 4 ऐसे कुछ था। तो उस 2 महीने में मतलब पापा का डेथ का जो मतलब एक है सदमा है, वो लेके Tier 1 का प्रिपरेशन करना तो इतना आसान नहीं था मेरे लिए। तो जैसे तैसे करके आप मतलब आप जब 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 भी कोई डिमोटिवेट हो रहा था तो होता था, मतलब आपसे भी बात कर लेता था। और मेरे मम्मी जो हमेशा सपोर्ट कर रही थी मेरे को, और भाई तो है ही। तो 2 महीने में मतलब सोचा था कि ठीक है, जो चला गया अब तो उससे अब मतलब उसको तो मतलब लौटा नहीं सकते, लेकिन जो है मेरे पास अब इसको देखना आगे, मतलब कैसे कैरी फॉरवर्ड करूँ पापा का जो सपना है। तो बस वही लेके मतलब Tier 1 का पेपर दिया अच्छे से, और मेरा Tier 1 में अच्छे मार्क्स भी, 167.5 ऐसा कुछ मार्क्स था मेरा Tier 1 में। तो जो मैंने पहले सोच रहा था कि मैं तो Tier 1 भी क्वालिफाई नहीं होगा, उतना अच्छा मार्क्स हुआ मेरा Tier 1 में। तो Tier 2 में अच्छा गया मेरा, 309 के आसपास मार्क्स है, 309 है मेरा, और कंप्यूटर में 24 है, तो ऐसे 4600 मेरे को मिल जाएगा। और मेरा अभी CHSL 20 से मतलब मेरे को हुआ है, लेकिन हमेशा से मेरे मन में यही था कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैं जब से मतलब आपको भी बताया था कभी कई बार कि मेरा CGL ही मतलब पैशन है। MTS में मेरा उतना मतलब कभी फोकस नहीं रहा, MTS में बहुत एक दो बार दिया हूँ लेकिन फेल भी हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। और MTS में आपको पता है MTS में ज़्यादा कंपटीशन है CGL के। तो CHSL में एक जॉब हुआ, लेकिन मेरा जो अंदर से सेल्फ मतलब जो एक रहता है ना, रात को मेरे को नींद भी नहीं आता CGL में मेरा। मैं मम्मी को हमेशा बोलता था कि CGL में नहीं होगा सी, मम्मी हमेशा बोलती है कि एक छोटा जॉब तो हुआ है ना, छोटे मतलब धीरे धीरे करके बढ़ता है आगे। तो ऐसे CGL 22 में मेरा अच्छा खासा अच्छा मार्क्स है, और मेरे को मतलब जो ड्रीम जॉब है मेरे को मुझे मिल जाएगा इसमें, देखो और मैं खुश हूँ बहुत कि। मैं भी बहुत खुश हूँ। शांतनु को मैं काफी दिनों से जानता हूँ, और शांतनु जितनी बातें बताया है ना, ऑलमोस्ट सब कुछ मेरे को पता है, कुछ चीजें छोड़ के, एक दो चीजें और भी कुछ बातें हैं जो मेरे को पता है, और मैं शांतनु शायद मैं करना चाहे, इसी वजह से मैं चुपचाप हूँ, सुन रहा हूँ तुम्हारा अच्छा मैं एक एक भी। और बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें। अब जो मेरा मतलब Tier 1 के टाइम मतलब जो CGL 22 का Tier 1 चल रहा था, तो उस टाइम मतलब पापा का जब डेथ हो गया था, तो मेरे को अभी भी याद है, मेरे मेरा जो एक रिलेटिव है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो मेरे को कॉल किए मतलब फाइनेंशियल इशू को देख करके, मतलब वो हेल्प करना तो दूर, मतलब वो कॉल करके मेरे को बताया था, एक जॉब का ऑफर दे रहा था सिक्योरिटी गार्ड का, जो कि कोई अपॉइंटमेंट है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का मेरे को जॉब का ऑफर दे रहा था कि आप यहाँ पे करो, 2-3 हज़ार 4 हज़ार जो मिलेगा मतलब वो घर चला सकते हो यार। तो मेरे को बस मतलब अभी भी वो याद है, मतलब मिल गया सक्सेस, लेकिन जो बात है वो आदमी को मतलब ऊपर उठाता है। तो मेरे को तो इस बात को याद आता है कि जब मैं तैयारी करता था तो इस सेम जो कहानी हुआ है, थोड़ा इनका ज्यादा दर्दनाक हुआ है, ऐसे कोई ऑफर किया है, मेरे टाइम टॉन्ट में बहुत सुनता था, तो मैं एक चीज सोच रहा था कि जितने ताना मार रहे लोग ना, जब मेरा रिजल्ट आएगा तो पहले उनके घर मिठाई भेजा, तो उनके घर एक डब्बा मिठाई मेरे तरफ से भिजवा देना जो ऑफर दे रहे थे, याद से 1.5 kg अच्छी बात है, जो उनकी मतलब उनकी हैसियत से ज्यादा हो, कभी खरीद के ना खा पाए होंगे, भले कर्जा लेके देना पड़े, उनको जरूर दे देना शांतनु। और मैं चाहता हूँ, आपने काफी सारी बात बताई है शांतनु ने, मैं आशा करता हूँ लोग सुने होंगे तो उनसे उनको बहुत सारी चीजें फील कर पाए होंगे, मैं यहाँ तो फील कर पा रहा हूँ, एक ही चीज दोबारा तिबारा सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, मैं लोगों को बताता भी हूँ, उनको सुनाता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि नहीं इतना आसान नहीं है जिंदगी जितना आप सोचते हो। फिर भी मैं चाहता हूँ कुछ चीजें और शांतनु आप शेयर करें, जैसे मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा बताओ कि पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि CGL 23 वाले बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे, उसके बाद मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि आप बताओ कि अभी के टाइम में इम्पोर्टेंस क्या है। मैं सिर्फ मैथ सेक्शन पे भी बात करता हूँ, मैथ सेक्शन का, और उस मैथ सेक्शन को कम टाइम में हैंडल करने का किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, दो चीजें शांतनु बताइए। CGL 23 के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, मैथ के लिए खास करके, कि
पहले आपको मतलब जो बेसिक है मैथ का, हाँ मतलब वो आपको क्लियर करना होगा। अगर बेसिक के बिना कोई भी मतलब ट्रिक, ये सब बेसिक से ही आया है, तो पहले बेसिक को आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, फिर आपको मतलब टाइम रिड्यूस, वो बेसिक का ही जो ट्रिक है वो बेसिक का ही मतलब एक शॉर्ट प्रोसेस है, वो स्टेप जंप करके होता है। तो पहले आप, मैं यही बोलूंगा कि बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें पहले। और मैथ का इतना वेटेज तो रहा नहीं, मतलब रीजनिंग मैथ सबका मतलब एक ही साथ, मतलब सबको एक ही साथ मतलब टाइम डिवोट करना चाहिए, सबको बराबर टाइम डिवोट करना चाहिए। और मैथ को लिए स्पीड भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रीजनिंग में देख रहा हूँ टीसीएस जब से मतलब पेपर ले रहा है अभी सीजीएल 22 का, लेकिन वहाँ पे मैथ का उतना मतलब जो पहले वाला जो क्वेश्चन रहता था उतना नहीं क्वेश्चन दे रहा है, मतलब जो टिपिकल टाइप क्वेश्चन अब दे रहा है कि रीजनिंग में थोड़ा टफ दे रहा है, कभी मैथ में दे रहा है, लेकिन मैथ में अगर आप टाइम बचा लोगे तो रीजनिंग में आप टाइम उसको डिवोट कर एक सकते हो। चीज, हाँ यही पे यही चीज मैं चाहता था आपके मुझसे सुनने, सब चीजें ये बातें तो मैं हमेशा लेकिन बोलता हूँ, सेम चीज रेप्लिकेट कर रहा है तुम, ऐसा लग रहा है मेरा हाँ वही सारा सर, वर्ड चुरा है। तो तो मैं ये वही बोलता बोल रहा हूँ हूँ कि अगर अगर अभी आपको फिर रीजनिंग, आपको रीजनिंग, हाँ बोल, बता बता बता। हाँ अगर आपको रीजनिंग में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपको मैथ के टाइम रिड्यूस करना होगा। मतलब मैथ तो बिना टाइम रिड्यूस करके रीजनिंग में आप 60 क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि रीजनिंग में आप उतना मतलब पहले जो रीजनिंग देता था बहुत बहुत आसान आता था, लेकिन अब नहीं, अब रीजनिंग का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, तो रीजनिंग में टिपिकल दे रहा है, तो रीजनिंग का आप ऐसे नहीं कर सकते कि रीजनिंग मतलब 60 मिनट में 30 मैथ, 30 मिनट मैथ में 30 मिनट रीजनिंग में, ऐसे नहीं डिवोट कर सकते। वहाँ पे टाइम रिड्यूस करना है मैथ में, और उस टाइम को मतलब लगाना है रीजनिंग में, तभी आप 60 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस यही मैं बोलूंगा। तुमको और रोकूंगा, स्पीड तुम के, अपना नहीं बता रहे हो, तुम सब मेरा बता रहे हो। और मैं ये एक बोलना भी चाहूंगा, और तुम ये बोलना कुछ चाहूंगा मैथ कुछ का और स्पीड, बताओ, स्पीड के कुछ मामले और में, बताओ। स्पीड हाँ अगर स्पीड जानना है, स्पीड मतलब स्पीड को अगर सीखना है, मतलब मैं अभी भी, मेरे को याद है 2020 का जो ऑली बोर्ड का जो मॉक था, अभी भी याद है, मतलब वो मैंने भी आपको मतलब रिकमेंड किया था कि आप बाय करें वो सीजल ऑली बोर्ड का मॉक, लेकिन मेरा मतलब मेरा की बहुत सारे टॉपर का ऐसे भी टेस्ट बुक में जिसमें 190 आ रहा था, वो ऑली बोर्ड में उसका हालत खराब हो रहा था, उसमें 130 140, लेकिन आपका जो उसमें भी 180 170 180 190 भी आ रहा था ऑली बोर्ड। तो स्पीड के बारे में अगर आपको मतलब मत करना है, तो मतलब वन वन स्टॉप सोल्यूशन है, अभिषेक हो जाए, और इसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। बिल्कुल, ये चीजें तो मैं बता रहा हूँ, जैसे शांतनु जो चीजें बताया ना सेम चीजें मैं बताता था, क्योंकि मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, मैं पहले बोला हूँ। तो मैं एक चीज और बता रहा हूँ, चलो मैं जो पूछने वाला हूँ ध्यान से सुनो। अभी तो आपके सामने जो प्री है और जो मेन्स है दोनों का सिलेबस सेम, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके, और देन एक मेन्स में कंप्यूटर ऐड हुआ है, टाइपिंग ऐड हुआ है। तो अभी आपको ना मैथ्स भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना रीजनिंग रखता है, जितना इंग्लिश उतना ज्यादा ही रहता है, और जीके जो सबसे ज्यादा वास्ते है उसको भी ध्यान देना है। तो अभी के टाइम पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ को कम टाइम में पढ़ना। आपको मैं किसी के ऊपर नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, फिर भी मैं बताता हूँ कि आप 450 घंटे, 500 घंटे मैथ पढ़ना जरूरी है, या फिर 200 घंटे में मैथ्स को कंप्लीट करके और अदर टाइम अदर सिलेबस पे भी, जैसे रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, जीके पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि इम्पोर्टेंस अभी भी है। 90 मार्क्स आ रहा है तो 90 में 90 किया जा 90%, सकता है, लेकिन कम टाइम में करना कितना जरूरी है। मतलब वहां पे 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो कम टाइम में करना ही है, 20 मिनट, 25 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, लेकिन होल सिलेबस को भी कम टाइम में करना कितना जरूरी है, आप ये भी बताओ बच्चों। देखिए सर, मैं तो पहले ये बोलना चाहूंगा कि जो मतलब अभी का जो पेपर है, मतलब आपको टीयर 1 और टीयर 2 ऐसे हिसाब से तैयार नहीं करना चाहिए, आपको मेंस के हिसाब से तैयार करना चाहिए, मतलब सीजल सीजल वाइज है। और रही बात की स्पीड की, तो स्पीड का जो है, स्पीड तो अभी पहले से ज़्यादा स्पीड का इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है इस बार, क्योंकि एक सेक्शनल कर दिया है टाइम, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंग्लिश में टाइम बचा के फिर यहाँ पे मैथ आके, मतलब जो टीयर 1 में होता है ऐसा नहीं कर सकते कि आपको इंग्लिश में टाइम बचा के जीके में टाइम बचा के फिर आपको उस टाइम मैथ में लगा सकते हैं। और 60 मिनट बहुत मतलब बहुत कम, मतलब जिसका प्रैक्टिस ज़्यादा है, जिसका स्पीड है, 60 मिनट बहुत है उसके पास, तो ऐसा नहीं है कि 60 मिनट बहुत मतलब कम है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जो मतलब शॉर्ट अप्रोच है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और मतलब पढ़ते जा रहे हैं और कोई मतलब फायदा नहीं हो रहा है, तो जो अप्रोच है सही अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो और आपका जो मेथड है, जो मेथोडोलॉजी है क्वेश्चन को करने के, मतलब रीड करके जो अंडरस्टैंडिंग, वो मतलब मैं आपसे सीजीएल 21 में बहुत मतलब बहुत अच्छे से सीखा हूँ, और सीजीएल 22 में भी वो मेरा 29 30 क्वेश्चन किया था, और मेरा 29 सही है, एक गलत है। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा 15 मिनट के आसपास, 15 मिनट 16 मिनट में मेरा मैथ हो गया खत्म सीजीएल 22 में।
ये सब चीजें ना तुम्हें मेंस सुन के भी ऐसा लग मेंस रहा है कि पूरा कॉपी कर रहे हो मेरा सारा लाइन्स, मेंस पढ़ाने का मेंस में तरीका, सब कुछ कॉपी कर लिया है। फिर भी कोचिंग खोल के मेरे ऊपर ही आगे खड़ा हो जाओगे। तो स्पीड तो अभी मतलब पहले से कंपैरिजन में स्पीड अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और रीजनिंग में आप मतलब तभी बचा सकते हो टाइम जब मैथ में आप करो मतलब टाइम बचा लोगे। तो बार बार मैं यही बोला हूँ मैथ में स्पीड बढ़ाइए, और स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है मतलब क्वेश्चन को सही से मतलब क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं घर में, तो सभी कर लेते हैं क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन का जो सही अप्रोच है एक क्वेश्चन का करने के लिए मतलब कैलकुलेशन हो चाहे, और कैलकुलेशन पार्ट जो आप सिखाते हैं कैलकुलेशन वो अभी का टाइम मिसिंग है, हर कोई टीचर मिसिंग है। जब जब से आप यूट्यूब में आए हैं कैलकुलेशन तभी तभी से सब रेप्लिकेट कर रहे हैं कि कोई और चल रहा है, ऐसा इतना नहीं है कि तारीफ, बहुत तारीफ कर पहले रहे कोई हो नहीं कर सर रहा। के नाम। नहीं सर ये सच, ये सच है। और मैं कैलकुलेशन के आप कैलकुलेशन आप सीजीएल इसमें आपने बताया था कि कैसे कैलकुलेशन डील करना है, मैं मेरा पास अभी भी कॉपी है पड़ा हुआ कि सब मैं लिखा हूँ कैसे कैसे क्या करना है, और मैं कैलकुलेशन चाहता का हूं एक बहुत बड़ा चीज, रोल है अभी। आप उस कॉपी का नोट शेयर करो मेरे साथ पीडीएफ के फॉर्म ठीक में, है मैं शेयर करता हूँ, और मैं अभी बोल रहा ठीक हूँ है इसी वीडियो में उस नोट्स को जितना जल्दी शांतनु शेयर करेंगे उतना जल्दी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करेंगे क्या चीजें सीखे हैं। और ज्यादा लंबा हम लोग काफी देर से बात कर रहे हैं, ऐसे मैं बात करते रह जाऊँ बहुत देर तक। मैं चाहता हूँ इसको हम लोग एंड करें, तो मैं लास्ट आप एक बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट जो बोलना है ना सीएचएसएल मेन्स सीजीएल प्री के बच्चों के लिए आप दो लाइन बोल के फटाफट से एंड करो। मैं सीजीएल 23 में बच्चों के पास यही बोलना चाहता हूँ कि आप अगर मेरा जैसा प्रॉब्लम हुआ आपको भी कोई ना कोई किसी ना किसी कोई का कोई इशू होगा, तो आप मतलब उसको साइड में करके मतलब पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आपका ही प्रॉब्लम है, सबका ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, तो आपका डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए उसके अंदर कि करना है तो करना है। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक सीजीएल 23 वालों के लिए, सीजीएल 23 वालों के लिए अच्छे से पेपर दें। मेहनत करोगे तो फोड़ोगे जरूर।